हेलो बच्चों, कल हमने जैसे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जाना था, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है बेटा, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। तो ये क्या होते हैं? देखिए, जो डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स और क्लोथिंग यूज्ड टू वॉर्न बाय द एम्प्लॉयज एज अ लास्ट रिसोर्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हजार्ड्स इन द वर्क प्लेस। जो उपकरण, औजार और कपड़े किसी भी एम्प्लॉयज़ के द्वारा एक आखिरी उपाय के तौर पर किसी खतरे से, यानी कि हजार्ड से बचने के लिए पहने जाते हैं वर्क प्लेस पर, उन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण। देखिए, वैसे तो क्या होता है, अब इनकी ज़रूरत क्या होती है? देखिए, प्राइमरी अप्रोच जो है, एक जो साधारण अप्रोच है सेफ्टी की, ठीक है, जो कि किसी वर्कमैन को या फिर किसी कारीगर को जिससे खतरे से बचाने के लिए है, वो क्या है कि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव यूज़ करें जो कि इंजीनियरिंग मेथड्स के द्वारा नियंत्रण होते हैं। ठीक है, अब इंजीनियरिंग मेथड से क्या मतलब है आपका? इंजीनियरिंग मेथड से मतलब है कि जैसे कि डिज़ाइन चेंज कर दिया जाए उसका, ठीक है, वेंटिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब वेंटिलेशन कोई तरीका है उसका तरीका बदल दिया जाए वेंटिलेशन का, मैकेनिकल हैंडलिंग या फिर ऑटोमेशन, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? ये इंजीनियरिंग मेथड्स होते हैं किसी भी हज़ार्ड को रोकने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हम इनको नहीं चेंज कर सकते हैं या इनमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें क्या कर सकते हैं? वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ पीपीई। ठीक है, एक उचित प्रकार के पीपीई का हम लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वर्क प्लेस का, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने और इसके पक्षधरों ने कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए, यानी कि काम करने के एनवायरनमेंट को या वातावरण को और ज़्यादा वर्क प्लेस को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने, यानी कि सरकार ने और इसके पक्षधरों ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। तो जैसे इसको लेकर क्या हुआ कि फैक्ट्री एक्ट 1948 एंड सेवरल अदर, यानी कि कुछ और कानून बनाए गए 1996 में, कुछ और कानून बनाए गए जिसमें कि ये प्रोविज़न रखा गया है ना कि पीपीई को प्रॉपर तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से किस टाइप की पीपीई को कैसे यूज़ किया जाए। तो अब देखते हैं कि वेज टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इफेक्टिवली। ठीक है, क्या क्या तरीके हैं जिससे कि वर्क प्लेस की सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि वर्कर्स टू गेट अप टू डेट सेफ्टी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेगुलेटरी एजेंसीज दैट ओवरसीज वर्क प्लेस सेफ्टी इन द स्पेसिफिक एरिया। यानी कि कोई रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि वर्क प्लेस जहाँ पर कामकाज हो रहा है, अगर वर्क प्लेस जो है उसकी सेफ्टी को देखती है, जो देख रेख करती है, वो सारे वर्कर्स को सेफ्टी इंफॉर्मेशन यानी कि सुरक्षा के बारे में अप टू डेट करती रहे। ठीक है, सारे वर्कर्स को अप टू डेट रहना चाहिए उस सुरक्षा इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, ये कार्य किसका है? उन रेगुलेटरी एजेंसी का जो वहाँ की सुरक्षा के बारे में या फिर जो सुरक्षा पर ध्यान देती है उस पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, यूज़ ऑल अवेलेबल टेक्स रिसोर्सेज दैट मे बी इन वर्क एरिया और फॉर एप्लीकेबल सेफ्टी इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू यूज़ पीपीई बेस्ट। ठीक है, जितनी भी टेक्स रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं किसी वर्क प्लेस में, वर्किंग एरिया में जहाँ पर काम वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है, उन सारी सुविधाओं की या मतलब उन सभी की जानकारी वर्कर्स को होनी चाहिए कि कैसे हम पीपीई किट को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर कॉमन टाइप्स ऑफ पर्सनल इक्विपमेंट्स की बात करें, जैसे कि गॉगल्स हैं, ग्लव्स हैं, बॉडी सूट्स हैं, ठीक है, इनको अगर ना पहना जाए तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, जब हम काम कर रहे हैं तो इनका पहनना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इन सब चीज़ों को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, गॉगल्स है, ग्लव्स है, बॉडी सूट्स वगैरह है, इनको पहनने से आप बहुत बड़े एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, जो कि छोटे मोटे कॉमन एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे बचाव के लिए गॉगल्स, ग्लव्स और बॉडी सूट्स की इम्पोर्टेंस है। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर इज़ नॉट ऑलवेज एनफ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट वर्क प्लेस डेंजर्स। अब एक अगली बात जो हमें ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि
जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत उपकरण हैं, केवल वही ज़रूरी नहीं है किसी वर्कप्लेस में डेंजर से बचने के लिए। तो फिर क्या हो सकता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना, यानी कि नोइंग मोर अबाउट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एक्टिविटी कैन हेल्प टू फुली प्रोटेक्ट फ्रॉम एनीथिंग दैट माइट थ्रेटन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन द जॉब। इसी के साथ साथ अपनी जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होना भी आपको और आपकी हेल्थ के लिए प्रोटेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होना भी अति आवश्यक है। दूसरा हमें क्या इंश्योर करना है, हमें ये इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं और जो चीज़ें किसी भी यूज़र को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, उनका पर्टिकुलरली उन इक्विपमेंट्स का समय समय पर इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए हम कैटेगरीज की बात करते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि पीपी कैसे हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं या उनकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज में पीपीई को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो खतरे हैं उनके बेसिस पे, नेचर ऑफ हजार्ड के बेसिस पे पीपीई जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। एक तो नॉन रेस्पिरेटरी है और दूसरा रेस्पिरेटरी है। तो नॉन रेस्पिरेटरी क्या है कि जो भी हमारी बॉडी को आउटसाइड से, मतलब जो खतरे होते हैं, यानी कि जो बॉडी पे हमारे खतरे हो सकते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज हैं। जैसे कि अगर फॉर प्रोटेक्टिंग दी हेड, अपने सिर को बचाने के लिए, आई, आँखों के लिए, चेहरे के लिए, हाथों के लिए, ठीक है, आर्म के लिए, ओके, एंड देन फुट, पैर के लिए और अदर पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी क्या है, रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेना, सिंपल सी बात है कि जो हमारे एयर, जो हमारे हम लोग जो इनहेल करते हैं, जो एक्सहेल करते हैं, मतलब जो सांस, जो मतलब एयर हम अंदर ले रहे हैं, ठीक है, उस हार्मफुल गैसेस या एयर को बचाने के लिए जिस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का हम यूज़ करते हैं वो होते हैं रेस्पिरेटरी पीपीई। लेकिन एक बात का ध्यान उसके साथ रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे जो हैं वो BIS स्टैंडर्ड्स को मीट करने चाहिए, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करने चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि देखिए कुछ समय समय पर क्या होता है कि कुछ गाइडलाइंस वगैरह इशू कर दी जाती हैं, ठीक है, जो कि जिन हजार्ड्स को या फिर जिन खतरों को हम इंजीनियरिंग मेथड्स के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते या नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी जाती हैं। जैसा कि अगर हम टेबल एक में देखें, इसमें देख रहे हैं कि अब PPE 1 यानी कि हेलमेट है, PPE 2 सेफ्टी फुटवेयर हो गया, PPE 3 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इसी प्रकार से ये सारे जो दिए हुए हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। अब देखो बच्चों, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं और उनके यूजेस और हजार्ड्स के बारे में जानते हैं, मतलब किन किन खतरों पर हम किन किन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करेंगे, इनको बारी बारी से अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, सबसे पहले ये बात करते हैं हेड प्रोटेक्शन, ठीक है, सर की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है तब हमें इसका यूज़ करना है। जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऊपर से गिर जाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से हमारा, मतलब जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं उसमें हमारा सिर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। छींटे वगैरह आते हैं काम करते समय, कुछ आग के छींटे या लपट वगैरह कुछ होती है, तो उससे बचाव के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हेलमेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है फुट प्रोटेक्शन की, पैर की प्रोटेक्शन की, तो उसमें क्या है, गर्म छींटे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, पैर पे कुछ गिरता है इन सबसे, या फिर कोई जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो एरिया जो है वो वेट है, गीला एरिया है ना, इन सब चीज़ों से बचाव के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, लेदर लेग गार्ड्स हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, गम बूट्स, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये पैर की सुरक्षा करती हैं। उसके बाद में हमारे पास PPE क्या है, नोज़ की सुरक्षा के लिए, नोज़ के लिए हम नोज़ मास्क का यूज़ करते हैं बेटा। और जब हम जानते हैं जब हम काम करते हैं तो काम करने के टाइम पर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी नाक में चले जाते हैं कई बार, है ना, कई बार क्या होता है कि जो फ्यूम्स होते हैं, है ना, बबल्स होते हैं, आग्स के फ्यूम्स हो गए या पानी के वेपर्स वगैरह हो गए, गैस हो गई, ये सारी चीज़ें नाक में जाने का खतरा हो सकता है, तो इसके लिए हम नोज़ मास्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हेड प्रोटेक्शन की बात करें, अगर हैंड प्रोटेक्शन की बात करें तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए जब देखें, हम देखें जब हम वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें गर्म चीज़ों के साथ भी काम करना होता है, गर्म चीज़ों को हमें हाथ से टच करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, तो हीट बर्न वगैरह से बचने के लिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचने के लिए हम ग्लव्स का यूज़ करते हैं,
है ना। फिर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से बचने के लिए आपने देखे होंगे ग्लव्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, कई बार इलेक्ट्रिशियंस वगैरह यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, देन बात करते हैं कि आई प्रोटेक्शन की। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारी आंखों में जाने का खतरा होता है। कभी कभी हम जैसे वेल्डिंग शॉप में काम अगर कर रहे होते हैं तो यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, हीट वगैरह, ये सारी जो हैं ये नग्न आंखों से हमें देख नहीं सकते हैं। और जो उसके पार्टिकल्स हैं है ना, जो उसकी स्पार्किंग्स हैं, वो आपकी आंख में जाने का खतरा होता है। तो उसके लिए हम एक तो गॉगल्स वगैरह, फेस शील्ड, रेडिएशंस वगैरह, हैंड स्क्रीन का यूज़ करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी आंखों को बचाने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसी प्रकार से फेस को बचाने के लिए भी हैंड स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग हेलमेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन ईयर प्रोटेक्शन, अपने कान को बचाने के लिए हम ईयर मफ्स का यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बहुत हाई नॉइज़ वर्कशॉप में जनरेट होती है, तो उससे बचने के लिए हम लोग ईयर प्लग या फिर ईयर मफ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बेटा, इन सारी प्रोटेक्शन के बाद में मेन प्रोटेक्शन जो हमारी पूरी बॉडी की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एपरेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर जो है कंप्लीट जो पीपीईज हैं वो एक एक फिगर में दर्शाए गए हैं। एप्रोन है, हैंड ग्लव्स हैं, ठीक है, कैप विद स्लीव्स ये आपका, ठीक है, और लेग गार्ड, इस तरीके से लेग गार्ड हैं, ये बूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका जो टॉपिक हो गया वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। देखो बच्चों, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आप जानते हैं पीपीईज का कितना इंपॉर्टेंस है। अभी अगर कोविड की बात करें, कोविड के समय में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट में हम देख रहे हैं कि इससे बचने के लिए हमारे पास अभी जो प्रेजेंट में हम लोग कोविड से बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोविड से बचने के लिए हम लोग फेस मास्क का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पीपीई है हमारा। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना ही, सी यू ए नेक्स्ट लेसन, थैंक यू।